अब बात करेंगे बढ़ते लंपी वायरस, ये लगातार जो केस सामने है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से गंभीर जो नजरिया इख्तियार किया गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में गौवंश में फैली लंपी स्किन डिसीज महामारी की उपचार और रोकथाम के लिए हर स्तर पर पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लंपी स्किन रोग से प्रभावित जिलों में जरूरी अस्थायी आधार पर 500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं और कई जिले के जो पशु हैं उनमें लंपी स्किन रोग का संक्रमण तेजी से जो फैला है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर नियंत्रण पाने पर के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि आपातकालीन आवश्यक औषधियां खरीदने के लिए अजमेर, बीकानेर और जोधपुर कार्यालयों को 8 से 12 लाख रुपए और बाकी प्रभावित जिलों को 2 से 8 लाख रुपए, उसके साथ कुल 140 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है और ये राशि पूर्व में इमरजेंसी बजट में समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों तथा बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालयों को आवंटित राशि के अतिरिक्त जारी की गई है। राजस्थान में लंपी बीमारी का लगातार